अरे सीमा, तूने सुना वो सेल्स में जो राधिका है ना, उसके साथ क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ उसके साथ? अभी 15 दिन पहले उसकी शादी होने वाली थी उसके बॉयफ्रेंड विराज के साथ, लेकिन शादी हुई नहीं। क्यों, शादी टूट गई क्या? हाँ, शादी टूट गई, वो भी शादी के मंडप में। ठीक वरमाला से पहले विराज को किसी का फोन आया। उसने क्या सुना ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं फोन कॉल के बाद विराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो सबके सामने चिल्लाकर राधिका से बोला कि वो किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं है, और फिर इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। लेकिन किसका फोन आया था उसे, और ऐसा भी क्या सुन लिया उसने जो राधिका से ये बात बोल दी? अरे पहले पूरी बात तो सुन ले, अभी तो पिक्चर बाकी है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके कुछ ही दिन बाद एक शाम एक आदमी राधिका के घर आया, और वो बोला कि उससे राधिका से शादी करनी है। और जानती है कौन था वो आदमी? कौन था? वो था लकी अग्रवाल। क्या, कहीं तू अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के इकलौते वारिस दी लकी अग्रवाल की बात तो नहीं कर रही? हाँ जी, वही लकी अग्रवाल। लेकिन उस जैसा आदमी इस फटीचर राधिका से क्यों शादी करना चाहता था? क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते थे? नहीं, राधिका ने तो उसे आज तक अखबार और मैगजीन्स के पन्नों पर ही देखा था। तो फिर लकी को राधिका से शादी क्यों करनी थी? यही तो मेन ट्विस्ट है। लकी ने जो वजह राधिका और उसके घर वालों को बताई, वो सुन उन सब के पैरों से जमीन ही खिसक गई। ऐसा क्या बोल दिया? लकी अग्रवाल ने कहा कि राधिका प्रेग्नेंट है और बच्चे का बाप वो है। व्हाट? लेकिन तू तो बोली कि वो कभी मिले ही नहीं, फिर राधिका उसके बच्चे से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? क्या लकी सच बोल रहा था, और क्या उसी ने विराज को फोन किया था? देख, जितना मुझे पता था मैंने बता दिया, लेकिन आगे की कहानी अगर तुझे जाननी है तो अभी डाउनलोड कर पॉकेट FM और सुन इंस्टा मिलियनेयर।